हेलो फ्रेंड्स, प्रतिभा स्मार्ट किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चूड़े वाली भेल। इन्ग्रीडियंट्स इस प्रकार के हैं: प्याज, एक कटा हुआ प्याज, हरा धनिया, दो तीन हरी मिर्ची, आधा नींबू, बारीक सेव, दो टमाटे कटे हुए, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, और थोड़ी सी हल्दी, और ये खट्टा मट्टा मीठा चूड़ा, और ये घर का बना हुआ चूड़ा। अब हम इसको बनाने जा रहे हैं अभी। अब हम बनाने जा रहे हैं फिर। अब डालेंगे इसमें प्याज, हरा धनिया, टमाटर, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, मसाले एक साथ, सेव, फ्रेंड्स। बच्चे चूड़ा खा खा के थोड़ा बोर हो जाते हैं, इसलिए उनको चटपटी ज़रा चटपटा बनाने के खाने की इच्छा होती है, इसलिए बनाने जा रही हूँ कुछ चटपटा भेल। और ये खट्टा मीठा चूड़ा, थोड़ा सा खिचूड़ा डालेंगे इसमें। और ये स्वाद में भी अच्छा लगता है और पटक से बच्चे खा भी लेते हैं। थोड़ा सा नींबू डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। चाहे तो थोड़ा और बारीक सेव डालेंगे इसमें। इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट थोड़ा कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा नहीं, अपने स्वाद अनुसार इच्छा अनुसार। इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन किसी को अच्छा लगता नहीं लगता। इसमें इमली का पानी भी डाल सकते हैं चटनी बना के, खट्टी मीठी। इसलिए मैंने ली खट्टा मीठा चूड़ा, इसमें सब आ जाता, अपने इच्छा के अनुसार है। भेल तो अच्छी लगती है, जो जो जितना भी डाले कुछ भी अच्छी बन जाती है। और मार्केट से अच्छा तो घर में अच्छा अच्छा स्वादिष्ट तो बन जाता है, और थोड़ा हेल्दी भी रहता है घर में बना है। इसलिए तो मैं हमेशा सो घर की बनी चीज। अब सर्व करेंगे इसमें प्लेट में। कोई मेहमान बीच मतलब आ गया ऐसे तो चटपट बन भी जाता है, और खुश होके भी जाता है बेचारे खा के। अभी थोड़ा सा इसको सजा देंगे। थोड़ा सा से और अच्छा दिखेगा और लगेगा भी खाने में, पूरे मार्केट जैसी लगेंगे भी। लगेंगे क्या, दिखेंगी मार्केट जैसे, लगेंगे तो मार्केट से भी अच्छी। थोड़ा सा हरा धनिया सर, ये अब हम हमारी बन गई चूड़े वाली भेल।